ओम श्री गणेशाय नमः, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि सितंबर 22 to 30 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। तो पहला ही कार्ड अपॉर्चुनिटीज़ का आ गया। जी हाँ, तो ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो आपके यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं। जी हाँ, आप चेकआउट कर सकते हैं, और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो पाइसेस, व्हाट्स हैपनिंग, ओके, अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आ रहा है, चैलेंजेस का कार्ड आ रहा है, लव लाइफ, ओके। सो एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे, ऑफर विल बी मेड, ओके, एनी सॉर्ट ऑफ ऑफर। अब वही कोई लव ऑफर हो सकती है, या कोई करियर से रिलेटेड ऑफर हो सकती है। एंड बी प्रिपेयर, ड्रेस टू इम्प्रेस, ओके। सो अपना बेस्ट बन के जाइए। चैलेंजेस, टेक टाइम आउट ऑफ प्रॉब्लम्स। कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातें चलती हैं, बट आपको एंजल्स कह रहे हैं कि एक तो ये कि आप कुछ ऐसा बोलिए मत, ठीक है, अपने लाइक क्या बोले उसको, कि कंट्रोल्ड वे में चलिए। कुछ ऐसा ना बोल दें कि बाद में आपको रिग्रेट हो, ओके। अपनी स्पीच पर कंट्रोल करने के लिए एंजल्स कह रहे हैं। लव लाइफ, अफेयर्स ऑफ हार्ट कुड कॉज फ्यूचर प्रॉब्लम, बट डिफ़िकल्ट सिचुएशन विल बी रिजॉल्व्ड बाय गुड डिसीजन। तो आपका कोई अच्छा फैसला हो सकता है कि आपको किसी चीज़ में से मतलब स्पेशली इन योर लव लाइफ आपको सेव कर सकता है, ओके। इट्स अबाउट दैट, बिकॉज लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, और आप जो प्लान कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली कुछ नहीं चलने वाला। एंजल्स कह रहे हैं कि इट्स अबाउट चेंजेस एंड इंटरप्शंस, बट आप सिर्फ अपने आप को वक्त दीजिए, अपनी हेल्थ को टाइम दीजिए। लव लाइफ में मुझे थोड़ा सा ट्विस्ट दिखाई दे रहा है, बट हम वो आगे बात करेंगे कि क्या एंजल्स कहना चाह रहे हैं। बट फिलहाल उसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए ओवरऑल ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, हाउ इट्स गोइंग टू बी। ओके, सो यहाँ एंजल्स कहना चाह रहे हैं, आई थिंक, ओके, सो इट्स अबाउट रेजिस्टेंस। मुझे लगता है कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं कोई कनेक्शन को, है ना, किसी पर्सन को। आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू विद इट। देर इज़ समबड़ी वेरी पैशनेट, यू आर फीलिंग पैशनेट, यू आर फीलिंग ड्रॉन, आप ड्रॉन फील कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ, वो आपकी तरफ फील कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ इशूज़ हैं, आई डोंट नो वॉट इट इज़, इस वजह से मतलब आपको लग रहा है कि बिलीव नहीं कर पा रहे, शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए ऐसा भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक इट्स अ स्लो कनेक्शन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये रीजंस हो सकते हैं, ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं और इनकी इंटेंशन क्या, ऑब्वियसली ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ओके। मतलब शायद हो सकता है अपने इमोशंस को कंट्रोल रख रहे हैं, कंट्रोल्ड वे में कर, मतलब दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू, बट उसको कंट्रोल्ड वे में रख के चल रहे हैं। ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएँ, या हो सकता है आप, यू नो, दे आर ट्राइंग, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बट लाइक कि कुछ ऐसा ना हो जाए या कुछ ऐसा ना बोल दे वो कि जिससे आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ये मुझे पता नहीं एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। ऑफ कोर्स इट्स अ स्लो कनेक्शन, टाइम ले रहे हैं ये पर्सन, दे आर लाइक, यू नो, टेकिंग टाइम। और यही रीज़न हो सकता है कि पाइसेस, यू नो, लाइक पाइसेस, हो सकता है आप किसी न्यू पर्सन के साथ डील कर रहे हो, आप ऑब्वियसली अपने काम पे फोकस्ड हैं, अपने आप पे फोकस्ड हैं, बट अगर रिलेशनशिप के सेक्टर की बात करें तो आप इतनी जल्दी किसी से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपकी तरफ, ओके। सो बेसिकली इट्स अबाउट, एक्चुअली दे आर, यू नो, दे बिलीव इन समथिंग लॉन्ग टर्म, मुझे लग रहा है, लेकिन उसकी तरफ कोई एक्शन नहीं मुझे बेसिकली दिखाई दे रहा। आई मीन दे आर नॉट टेलिंग यू, आपको बता नहीं रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, या हो सकता है कि दे हैव लॉन्ग टर्म गोल्स, चाहते हैं, बट आई थिंक इट्स अबाउट स्टिल, मुझे लग रहा है कि वो इस चीज़, इस रिले, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, ओके। तो फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो आई थिंक इट्स अबाउट लाइक लव कम्युनिकेशन, मुझे लगता है लॉट ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, कुछ पाइसेस के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हैं, ओके, किसी पर्सन को लेके, या किसी के बारे में आप सोच रहे हैं, तो हो सकता है आप थोड़ा कन्फ्यूज़ भी हो रहे हो कि क्या हो रहा है, वेयर इज़ दिस हेडिंग, यू नो, कैसे होगा, क्या होगा, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। बट एंजल्स कह रहे हैं इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव,
ठीक है, ओपन योर हार्ट, अपने हार्ट स्पेस को ओपन कीजिए, डरिए मत, घबराइए मत, ओके? अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो अपने आप को होल्ड, क्योंकि अगर आप रिजिस्ट करेंगे, होल्ड बैक करेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो पैटर्न फिर से रिपीट आप नहीं चाहते हैं ना। तो इट्स बेटर कि आप इस चीज़ को फेस कीजिए, वट एवर इट इज़, इस चीज़ को फेस कीजिए, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड, इसको अनफोल्ड होने दीजिए, खुद ब खुद आपको आंसर्स मिल जाएंगे, खुद ब खुद सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, यू नो। एंड मोर ओवर इज़ ऑल्सो अबाउट कि जहाँ आपको महसूस होता है, आई थिंक योर पार्टनर इज़ ऑल्सो लाइक दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू, एंड मोर ओवर कोई पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लाइक समबडी फ्रॉम द पास्ट, जो चीज़ों को हील करना चाहते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं, ओके? और अगर आप किसी से अभी कनेक्ट कर रहे हैं विद अ न्यू पर्सन, मे बी दे आर बिजी फाइनेंसिस एंड करियर एंड जॉब, ये भी हो सकता है कि उस वजह से, बट दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू, और शायद हो सकता है कि उस वजह से, यू नो, लाइक समटाइम्स आप लोग डिसकनेक्ट हो जाते हैं, समटाइम्स आप लोग दोबारा से कनेक्ट हो जाते हैं, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर कोई पास्ट में से भी है जो स्टिल, यू नो, आपसे बात करना चाह रहा हो, ओके? सम एक्स्ट्रा कार्ड्स फॉर पाइसिस, ऑफ कोर्स, कि पाइसिस की लव लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहा है। आई एम सो सॉरी। ओके, समवन इज होल्डिंग बैक, कोई पास्ट में से हो सकता है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, आपसे सोच रहा है बात करने के लिए, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एंड मे बी दे आर होल्डिंग बैक। ओके, सो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप को, लाइक देखिए, सच वंडरफुल, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लश ग्रीन गार्डन। सो इस चीज़ को अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हों, देन आई थिंक इट्स यू हैव टू मेंटेन, आपको कुछ मेंटेनेंस इन योर लाइफ, लाइक मेंटेनिंग योर लाइफस्टाइल, मेंटेनिंग योर हेल्थ और एनीथिंग, बट यू नीड टू, यू नो, अपने आप को टाइम देना है, वट एवर यू आर वर्किंग ऑन, चाहे वो रिलेशनशिप तो कुछ भी हो, आई थिंक यू हैव टू मेंटेन इट, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द पाइसिस। और यहाँ पे आई थिंक समथिंग लवली इज़ गोइंग टू ग्रो, हो सकता है कि अगर आप चीज़ों का ख्याल करते हैं, जैसे एंजल्स कह रहे हैं कि यू नो वर्किंग ऑन इट, तो गार्डन है, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी है, हो सकता है कि ऑब्वियसली आगे चल के आपको एक ट्रू पार्टनर मिल सकता है, दैट कैन हेल्प यू, दैट कैन गाइड यू, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको आपकी वर्थ पहचानने के लिए, कि पाइसिस यू आर मेंट फॉर दिस। सो अपने आप को रिसेप्टिव रखिए, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट दैट, ये जो भी कुछ हो रहा है कि आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए, आपको आपकी वर्थ पहचानने के लिए, बिकॉज ऑफकोर्स पाइसिस यू हैव सम, लाइक देयर आर इशूज़, हो सकता है कि देयर आर इशूज़ एंड आई डोंट नो, यू नीड टू हील। यहाँ पे रीपेरेंटिंग का कार्ड आ रहा है, ओके? तो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को, वुंस को ठीक करना है वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए, और अपनी वर्थ को पहचानना है, रियल वर्थ को, एंड देन वी आर ऑल्सो गेटिंग द स्पिरिचुअल मेच्योरिटी एंड सेक्सुअल फ्रीडम ऑल्सो। इट्स अबाउट, यू नो, अलाउ, अपने आप को अलाउ करना कि हाँ, कि चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं आगे, एंड यू डिज़र्व अ गुड पार्टनर। देखिए, ऑफकोर्स सोलमेट्स, तो अब यूजुअल जरूरी नहीं है कि आपने जो अपने माइंड में जो पिक्चर बना रखी है वही हो, इट्स अबाउट समथिंग डिफरेंट एज वेल, ओके? कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है, सोलमेट्स आप देख सकते हैं, बटरफ्लाइज, यू नो। सो बेसिकली इट्स अबाउट कि वट एवर इट इज़, कोई भी है आपके अराउंड पर्सन है जो है, दे आर हेल्पिंग यू इन सम वे, आपकी मदद कर रहे हैं ताकि आप इस पैटर्न में से बाहर निकलें और आप अपनी वर्थ को पहचाने, ओके? तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके? चलिए करियर की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो, परेशान हो, बट अल्टीमेटली थिंग्स कैन वर्क, ठीक है? मतलब आफ्टर कंफ्यूजन, आफ्टर ऑल दैट, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इस हफ्ते ये दिखाई दे रहा है फॉर ऑल, आपकी लव लाइफ को लेकर। टॉकिंग अबाउट योर करियर, करियर वाइज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके? सो डूइंग योर जॉब, अपना काम करना, आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग कुछ इस हफ्ते, मुझे ऐसा लग रहा है यू आर फीलिंग लिटिल, यू नो, मतलब आप अपना काम कर रहे हैं, आप कैन, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, क्रिएटिंग समथिंग, डूइंग समथिंग, ठीक है? इट्स अबाउट अ मैजिकल एनर्जी, यू आर एट अ वेरी गुड स्पेस, बट कोई चीज़ है जो आपको डिसअपॉइंट कर रही है, डिसहार्टन कर रही है, आपको लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। बट एंजल्स कह रहे हैं बिलीव इन योर ओन सेल्फ, अपनी एनर्जी पे विश्वास कीजिए। देखिए, एम्प्रेस, स्पाइसेस की रीडिंग हो रही है, तो एम्प्रेस इट्स लाइक कुछ ना कुछ तो ज़रूर होने वाला है। एम्प्रेस आप देख सकते हैं, शी इज़ प्रेगनेंट, दैट मीन्स कि जहाँ आप होप छोड़ रहे हैं, ऑब्वियसली वहाँ कुछ अच्छा होने वाला है, बट ऑफकोर्स इट नीड्स टाइम, इट नीड्स पेशेंस, ओके? सो अपने माइंड को कैरिड अवे मत होने दीजिए, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट
डिट्रैक्ट मत होने दीजिए. ओके, आपने अचीव किया है, आगे भी करेंगे, बट इट्स अबाउट डोंट लेट योर सेल्फ डिस्ट्रैक्टेड. ओके, ये फेज ऐसा हो सकता है, बट थिंग्स आर गोइंग टू ग्रो एंड आप अपनी पोजिशन में आएंगे, आप अपनी उसमें, मुझे लगता है इट्स अबाउट अ गुड पोजिशन, गुड जॉब. कुछ के लिए ये भी हो सकता है इट्स अबाउट समथिंग ऑन योर ओन, कि आप कुछ अपना कर सकते हैं, ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है. चलिए थोड़ा सा और देखते हैं पाइसिस के लिए, व्हाट आर द मैसेजेस वी आर गेटिंग. तो जैसे एंजल्स ने कहा है कि चैलेंजेस आते रहते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स, बट मे बी आगे बहुत अच्छे बड़े चेंजेस आने वाले हैं. अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, यू नो, प्रिपेयर कीजिए अपनी हेल्थ भी. ओवर थिंकिंग, सी द स्टॉर्म हैज़ पास्ड. इसका मतलब है कि स्टॉर्म वार्निंग, मतलब जो स्टॉर्म था आई थिंक वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है. कोई खतरा था, वट एवर था, इट वॉज लाइक इट इज़ गॉन नाउ थैंकफुली. अब आगे मुझे लग रहा है कि इट्स अबाउट समथिंग गुड ऑफर, और फाइनेंसिस आपके अच्छे हो सकते हैं, एंड मोर ओवर इट्स अबाउट अ जर्नी, कि आप अपनी जर्नी में और आगे बढ़ रहे हैं और स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं. ओके, और कुछ के लिए ये हो सकता है कि एक नई शुरुआत हो सकती है, या हो सकता है कि आप अपनी पोजिशन में आ रहे हैं, आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, पावर, पोजिशन, प्रेस्टीज. ओके, स्टेपिंग फॉरवर्ड, आपका जो ऑरा है, इट्स अबाउट दैट. एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट द मैस्कुलिन एनर्जी इनिशिएटिंग. कुछ के लिए ये हो सकता है इट्स लाइक अ न्यू जर्नी इन योर लव लाइफ एज वेल, कि कोई न्यू जर्नी है और आप शायद कुछ महसूस कर रहे हैं, ये चीज़ है. और मे बी इट्स अ प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन अराउंड यू, कि आपके अराउंड कोई पर्सन है. ओके, सो टू मच हीटेड एनर्जी. डिवाइन टाइमिंग, एंजल्स कह रहे हैं डिवाइन टाइमिंग. मुझे लगता है कि सब कुछ ऑब्वियसली जो भी होता है वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है, सो यू नीड टू बिलीव इट. ओके, देखिए फिर वही बात आ गई, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है ये, एम्प्रेस एनर्जी कह सकते हैं, पेशेंस. तो पहला कार्ड क्या है? पेशेंस. देखो यहाँ, देखो यहाँ, देखो और कहाँ गई एम्प्रेस हमारी, यहाँ देखो क्या दिखाई दे रहा है इन सब में, आपको कॉमन चीज़ क्या दिखाई दे रही है? अ वुमेन सिटिंग ऑन अ थ्रोन, ठीक है. और दूसरा आप देख सकते हैं प्रेग्नेंट, कंसीविंग. ओके, दैट मीन्स ऑफ कोर्स कि कुछ है, कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं, बट यू हैव टू बिलीव इन योर पावर. आपको अपनी पावर में बिलीव करना है, खुद में बिलीव करना है, ठीक है. यू, हाउ कैन यू फॉरगेट योर सेल्फ? नो, ये एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, एक नई उम्मीद, एक नया ज़माना कह सकते हैं. और हो सकता है कि ये कितने सालों के बाद आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, यिन यांग एनर्जी आ रही है, तो बिलीव कीजिए, ठीक है. लॉट ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ आर देयर. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग. टिल देन टेक केयर.